मॉर्निंग क्लास ही। कल हमने पहले चैप्टर में उन चीजों के बारे में जानकारी ली थी जो नेचुरल रिसोर्स में पाए जाते हैं, उसका हमने एक पार्ट में आपको बता दिया था वो क्या था, तो जिसमें हमने देखा ऑरिजिन ऑफ फूड्स, हमने ऑरिजिन पहले सोर्स में देखा था बायोटिक और एबायोटिक। आज हम दूसरे सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरे क्लासिफिकेशन तीसरे चौथे, तो दूसरा था रिन्यूएबिलिटी यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, तीसरा था डेवलपमेंट और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन। और पहले हमने आपको सोर्स में बायोटिक और एबायोटिक पढ़ा, तो बायोटिक में हमने सजीव पढ़े थी और एबायोटिक में नॉन लिविंग थी निर्जीव पढ़े, तो आज हम रिन्यूएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जब रिन्यूएबिलिटी की बात आती है तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, तो जो रिसोर्स जो संसाधन इसका रिसोर्स दैट कैन बी रिन्यू बाय रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। जिस साधन के द्वारा हम दोबारा कोई चीज को बना लेते हैं वो हमारा रिन्यूएबल कहलाता है। जैसे कागज है, ये कागज हो गया आपकी, इसको हमने क्या किया, फैक्ट्रियों में गया, पेस्ट बनाया गया, फिर रिसाइकिल दोबारा कर दिया गया, दोबारा कागज बनकर आ गया। तो मतलब जिस साधन के द्वारा हम किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं दोबारा, उसको हम रिन्यूएबल कहलाते हैं। अब इसी में जैसे हमने पढ़ा था क्या क्या होंगे, तो फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल प्रोसेस इसी के अंतर्गत में आते हैं। और कभी देखा होगा आपने जब एग्रीकल्चर क्रॉप होती है, फसल, फसल भी रिन्यूएबल होती है, आपने इनको पढ़ाई, तो ऐसे शब्द जो दोबारा उत्पादन किए जाए, रिसाइकिल किए जाए, वो रिन्यूएबल कहलाते हैं। अब ऐसे नॉन रिन्यूएबल, इसी का दूसरा हिस्सा है, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, अब इसमें हम दोबारा रिसाइकिल ना कर पाए, जैसे कागज को जला दो। शायद आपने पढ़ा हुआ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, फिजिकल में भौतिक परिवर्तन में क्या था, कागज को फाड़ दिया, हमने चिपका दिया उसको, रहा हमारा वही। अब केमिकल में किसी को मैं जला दिया, एसिड बन गई, राख बन गई, तो ये हमारा केमिकल, दोबारा कागज नहीं बनेगा। तो ऐसे ही नॉन रिन्यूएबल आ, तो इसकी डेफिनेशन में देखते हैं, रिसोर्स दैट देयर थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू गेट प्लेस आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो वह रिसोर्स जो सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले से अभी तक रिपल्स नहीं किए गए, जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल जमीन से निकल रहा है और हजारों वर्ष पहले नहीं निकलता, तो ये हमारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। कोल, कोला, कोला भी हमारा रिसाइकिल नहीं किया। तो ऐसी जो चीजें होती हैं जो अनंत वर्षों पहले से चलती चली आ रही हैं, वो चेंज नहीं की जा रही, लेकिन यहां पर रिन्यूएबल में हम चेंज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप को कर रहे थे हम, फिजिकल को कर रहे थे, केमिकल को कर रहे थे,
तो ऐसी चीजों को हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं और रिन्यूएबल। ये हमारी ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी में आएगी। मैं इसके क्वेश्चन को भेजूंगा तब तुमको और जल्दी समझ में आ जाएगी, उसको ध्यान से लिखना। अब तीसरा इसका पार्ट आता है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट भी ये बहुत से प्रकार को दो प्रकार के हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट, एक्चुअल जो वास्तविक होता पर्वत, और क्वालिटीज पोटेंशियल रिसोर्सेस। पहले आपका पोटेंशियल रिसोर्सेस में पढ़ते हैं, दीज रिसोर्सेस द टोटल अवेलेबिलिटी क्वांटिटी ऑफ विच इज नॉट नोन इज प्रेजेंट आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेस। मतलब वह रिसोर्स ऐसा, वह संसाधन ऐसा कि जिसमें हम टोटल पूर्ण रूप से क्या कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को बदल रहे और जो हमको जानकारी ना हो और एक नई चीज पर निर्माण में आ जाए वो हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेस में आ। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या होता है। तो इसमें दिया गया है एग्जाम्पल में नॉर्थन माउंटेन ऑफ इंडिया, उत्तर का पहाड़ भारत का, है एनरोगियस पोटेंशियल जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड डैम्स एंड। सही, उन्होंने ये बोला उत्तर का भारत जैसे हिमालय है, हिमालय पर क्या है, बर्फ जमी है और वाटर बराबर भी। अब हम उसका पानी को बांध लेते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, तो ये उसकी भूमि आती है। अब दूसरे बेसिक एरिया था इन्होंने डेवलपमेंट, यानी एक्चुअल क्या है, डेवलप रिसोर्स क्या है। तो दीज रिसोर्स द टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब हमने क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को जोड़ दिया, पहले वो क्वालिटी बोलना था, अब हमने क्वालिटी उसके गुण दिया है। तो ऐसे गुणों को हमें देखना विच आर प्रेजेंट नॉन एज कॉल्ड एक्चुअल डेवलप रिसोर्स। ये हमारे रिसोर्स कहलाते हैं। तीसरा हमारे पास है यानी लास्ट चौथा वाला डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन की दो प्रकार के होते हैं, मतलब हर हमारा रिसोर्स टू टाइप का। जब आपको मैं क्वेश्चन भेजूंगा तो उसमें आप देखना मैंने उसमें लिखे हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा है उसमें लिखा है, अगर किताब है तो किताब में पढ़ो। हम तो कह रहे हैं किताब तो खरीदनी है भाई, थोड़ी सी ने हिम्मत करके किताब खरीद लो फिर देखो पढ़ाई में कितना अच्छा लगेगा। आपको जब मैं बोलूं तो आप वीडियो सामने रखो और इस किताब को रखो फिर देखो तो पढ़ो तो आपको भी समझ में आएगा। अब पहला है इसमें अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेस। ये क्या था अनयूटिलाइज्ड, तो ये भी था आर द रिसोर्स दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ये रिसोर्स हमारे चारों तरफ पाया जाता है, जैसे सनलाइट में, सूर्य की रोशनी, दूसरा हवा में, विंड में, वाटर में। तो ऐसे रिसोर्सेस हमारे हम यूबिकेटेस रिसोर्स कहलाते हैं। इसी के अंदर दूसरा रिसोर्स था लोकलाइज रिसोर्स, ये भी लोकलाइज तो परिवर्तन एक दूसरे में बराबर करते हो, जैसे आर द रिसोर्सेज दैट कैन बी फाउंड ओनली ए सर्टन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार के कुछ ही हिस्से में पाया जाता है, बात सही है, जहां पर कॉपर मिले, आयरन और कच्चा लोहा मिलता है, कोल है, अब कोल हर जगह तो मिलता नहीं, पेट्रोल हर जगह नहीं मिलता, तो मतलब संसार के कुछ दूसरे हिस्सों में पाया जाता है। तो ये हमारा लोकलाइज रिसोर्स हो गया। तो आज हमने रिसोर्स के चारों साधनों को पढ़ लिया। अब हम कल इसमें इसी के चैप्टर का बेसिक में दूसरा रिसोर्स पढ़ेंगे जो ह्यूमन रिसोर्स है, मनुष्य के द्वारा क्या रिसोर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स क्या होता है, मनुष्य ने किस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त की, कैसे इसने डेवलप किया, तो इनके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। तो इसको बुक्स में देखना
और हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे तो उसको भी देखना, तब जल्दी समझ में और आएगा।